सुप्रभात बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 7 टिप टिपवा, इस भाग का हम अध्ययन करेंगे। टिप टिपवा इसका मतलब होता है पानी की जो बूंदे गिरती है, जो बारिश की बूंदे गिरती है, टिप 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 टिप, उसे यहाँ पर शब्द दिया गया है टिप टिपवा। अब ये जो टिप टिपवा शब्द है, ये एक बूढ़ी औरत जो है उसने यहाँ पर ये शब्द उपयोग में किया हुआ है। तो आइए छात्रों, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। अब इस पाठ में एक बुढ़िया के बारे में बताया गया है। एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था। वह पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहता कि मुझे कहानी सुना। कहानी सुने बिना वह कभी सोता नहीं था और दादी रोज उसे अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। अब एक दिन अचानक बारिश हुई, पर वह जो बारिश हुई थी वह बड़ी मूसलाधार बारिश थी। मूसलाधार मतलब बड़ी तेज बारिश हुई थी और ऐसी बारिश इसके पहले कभी भी उस गांव में नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बारिश इतनी तेज थी कि उस बारिश से गांव के सारे लोग परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। अब बुढ़िया जो रहती थी वह एक झोपड़ी में रहती थी। उसकी झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। अब पानी जब टपकता है तो उस आवाज को हम क्या कहते हैं छात्रों? टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब बुढ़िया हर रोज की तरह उस दिन भी अपने पोते को अपनी गोद में लेटकर कहानी सुनने के लिए बैठी थी। अब उस दिन बारिश आई तो उसके झोपड़ी में अचानक से टिप 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 पानी टपक रहा था और इधर जो पोता था वो अपने दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मतलब वह राह देख रहा था कि दादी कब मुझे कहानी सुनाए। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब बुढ़िया जोर से चिल्लाकर बोली, अरे बचवा, बचवा का मतलब अरे बेटा, क्या कहानी सुनाओ? ये टिप टिपवा से मेरी जान बचे तब ना, मतलब कि इस टिप टिप बूंदों से जो अपने झोपड़ी में टपक रहा है उससे ये जान बचे तब ना, मैं तो इस टिप टिप बूंदों से बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? अब पोते को ये बात समझ में नहीं आई। पोता लेटा हुआ था, अचानक वह उठकर बैठ गया और दादी से पूछने लगा कि दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब उस पोते को तो नहीं पता था कि टिप टिपवा क्या है। वह दादी से कहने लगा, दादी ये जो टिप टिपवा है ये क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? अब आपको तो पता है छात्रों, शेर और बाघ मतलब बहुत बड़े और बड़े भयानक प्राणी होते हैं। तो इस पोते को लगा कि ये टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपवा के डर। अब जब उस पोते ने दादी से पूछा कि ये टिप टिपवा कौन है तो दादी ने कहा कि हाँ बिचवा, ये जो टिप टिपवा है यह शेर और बघवा से भी खतरनाक है। मुझे तो शेर का भी डर नहीं लगता, ना मुझे बाघ का डर लगता है, मुझे तो ये टिप टिपवा का बड़ा डर लगता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। अब गांव में जो घर होते हैं वो तो बैठे घर होते हैं, छोटी छोटी झोपड़ी होती है, छोटे छोटे घर होते हैं। अब देखो बच्चों, गांव में जो ये जानवर है जैसे शेर,
सिंह बाघ ये तो रात में घूमते रहते हैं। अब एक शेर जो था, एक बाघ जो था, बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी के पीछे छुप कर बैठा था। देखो आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है, ये बाघ है जो इस बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ है। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। अब ये जो बाघ है जो दूसरों को डराता है, ये बाघ खुद बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये बाघ तो झोपड़ी के पीछे बैठा था और जब इस बाघ ने उस बुढ़िया की बात सुनी तब वह बात सुनकर यह बाघ और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? शेर मन ही मन सोचने लगा कि ये जो टिपटिपवा है, जो बुढ़िया ये टिपटिपवा बोल रही है, ये अब कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। अब इस बाघ ने क्या सुना था? इस बाघ ने बुढ़िया की एक बात सुनी थी ना, वो बुढ़िया ने क्या कहा था कि मुझे ना शेर से डर लगता है, ना मुझे बाघ से डर लगता है, मुझे तो ये टिपटिपवा से डर लगता है। यह बात सुनकर वो बाघ मन ही मन सोचने लगा कि यह टिपटिपवा जरूर शेर और बाघ से भी बड़ा भयानक नजर आता है, तभी तो ये बुढ़िया ऐसा कह रही है और उस टिपटिपवा से डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब ये बाघ जो है ये मन ही मन क्या सोचने लगा कि भाई ये जो टिपटिपवा है अगर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी तो जान खतरे में चली जाएगी, क्यों ना वो आने से पहले, वो मुझ पर हमला करने से पहले मैं क्यों ना यहाँ से भाग जाऊं। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दूम दबाकर भाग चला। तो बाघ वहां से भाग निकला और उसने अपनी जान बचा ली। उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब धोबी का मतलब क्या होता है बच्चों? धोबी मतलब जो कपड़े धोता है। तो उस गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। अब जैसे उस बारिश से यह बुढ़िया परेशान थी, वैसे ही वह धोबी भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। अब ये जो धोबी था इसके पास एक गधा था, उसने गधा पाल के रखा था और सुबह से न जाने उसका गधा कहाँ गायब हो गया। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब ये जो धोबी है वह दिन भर अपने गधे को ढूंढता रहा और इतने बारिश में वह इधर उधर भीगते भीगते अपने गधे को ढूंढने निकला, पर कहीं भी उसे उसका गधा नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब जब ये धोबी परेशान था तो उसकी पत्नी उसके पास आई और उससे कहने लगी कि आप पंडित जी के पास क्यों नहीं जाते? वे तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें पूरे गांव के हाल हवाल सब पता है, तो शायद वो कुछ हमारी मदद कर सके। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही पत्नी ने धोबी से ये कहा तो धोबी को उसकी बात अच्छी लगी और धोबी ने उसकी बात मान ली और तुरंत धोबी ने अपना लठ उठाया, मतलब कि लकड़ी उठाई और पंडित जी के घर चल पड़े। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब ये जो मुसीबत थी, ये सारी मुसीबत सभी लोग झेल रहे थे, बुढ़िया भी वही मुसीबत से परेशान थी और ये जो धोबी था ये भी उस बारिश से परेशान था, उन्हीं के साथ साथ पंडित जी भी उस बारिश से परेशान था। तो जब यह धोबी उस पंडित जी के घर की तरफ गया तब इस
धोबी ने क्या देखा कि पंडित जी जो है वह उनके घर में जो बारिश का पानी जमा हुआ था उसे उलीज उलीज कर फेंक रहे थे। आपको पता है छात्रों, उलीज उलीज कर मतलब हमारे घर में जब पानी गिर जाता है या बहुत सारा पानी जमा हो जाता है तो हम अपने दोनों हाथों से ऐसा पानी उठाकर बाहर फेंकते हैं। तो ऐसी ही कुछ बात उस पंडित जी के साथ हुई। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर बताइए तो वह कहाँ है। अब धोबी ने थोड़े देर के बाद पंडित जी से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, कहीं तो वह खो गया है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मुझे मेरा गधा नहीं मिल रहा है, क्या आप पोथी बांच कर मतलब पोथी पढ़कर बता सकते हो कि मेरा गधा मुझे कहाँ मिलेगा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। अब ये जो पंडित जी है ये सुबह से अपने घर का पानी निकालते निकालते थक चुके थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़े पोखर में। अब जब धोबी ने उससे कहा कि क्या तुम अपनी पोथी पढ़कर मुझे बता सकते हो कि मेरा गधा कहाँ है, तब पंडित जी झुंझला पड़े, मतलब पंडित जी थोड़ा गुस्से में आ गए और कहने लगे, मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है कि तेरा जो गधा है वो कहाँ गुम हो गया है, और मेरे इसमें ये तो नहीं लिखा है कि तेरा गधा कहाँ मिलेगा। तो वो धोबी से कहने लगा कि खुद जाकर ढूंढ ले अपने गधे को, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, धोबी वहां से चल दिया। अब धोबी को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल गया तो धोबी वहां से वापस लौट गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब ये जो धोबी था ये एक तालाब के पास पहुंचा जहां पर ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। अब ये जो धोबी है जो उस तालाब के किनारे गया वहां पर उसे घास दिखी और ये जो धोबी था उस घास में ही अपने गधे को ढूंढने लगा। पर उस घास में कौन छिपकर बैठा था? तो उस घास में बाघ छिपकर बैठा था। किसके कारण? तो टिपटिपुआ के डर के कारण। उसे उसी टिपटिपुआ का डर था। आखिर उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये टिपटिपुआ कौन है। उसे उसी टिपटिपुआ का डर था और वो उस डर के मारे उस घास में डर के कारण बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ता और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब जब धोबी अपने गधे को ढूंढने गया तब धोबी ने देखा कि उस घास में बाघ है, पर उसे बाघ की जगह ऐसा समझ में आया कि जैसे कोई उसका गधा ही वहां छुपकर बैठा है। तो धोबी को गुस्सा आया और धोबी ने आव देखा न ताव, वो लगा अपने मोटी लकड़ी से उसे मारने। बेचारा बाघ उस मार के कारण घायल हो गया और घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। अब उसके मन में तो यही बात थी कि ये टिपटिपुआ आखिर है कौन। पर जब उसने उस लठ से मार खाई तब बाघ ने मन ही मन सोचा कि बाबा शायद यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब देखो छात्रों, इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि ये जो धोबी है ये इस बाघ को गधा समझकर लेकर जा रहा है, और यहाँ पर ये जो बाघ है ये बाघ इस धोबी को क्या समझ कर बैठा है? टिपटिपुआ। तो ये बाघ भी उसके साथ चुपचाप टिपटिपुआ समझकर उसके साथ डर के मारे जा रहा है, और बाघ मन में मन ही मन यह सोच रहा है कि अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो ये जैसा कहे मुझे वैसा ही चुपचाप करना होगा, तो ही मेरी जान बच सकती है।
आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कछुमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ से ये धोबी बड़बड़ करने लगा कि तूने आज मुझे बड़ा परेशान किया है, मैं दिन भर तुझे पूरे बारिश में ढूंढता रहा और अब मैं तुझे घर पर ले जाकर मार मार कर तेरा कचुंबर बनाऊंगा। ऐसा कहकर धोबी ने उसका कान पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने घर की ओर लेकर आया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब बाघ बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे वो जैसा कहे वैसा भीगी बिल्ली की तरह उसके साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब जैसे ही यह धोबी बाघ को लेकर अपने घर आया, वैसे ही इस धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जब धोबी उस बाघ को अपने घर लेकर आया तब कौन सा समय था छात्रों? तब रात थी, जिसके कारण उसे गधे और बाघ का फर्क ही समझ नहीं आया। उसे लगा कि यह बाघ ही उसका गधा है और वह रात के समय उस बाघ को गधा समझकर अपने घर ले आया और सो गया। पर जब सुबह हुई और जब गांव वालों ने देखा कि एक बाघ उसके खूंटे से बंधा हुआ है, तब सब गांव वाले बड़े आंखें खोलते हुए ही उसे देखने लगे, क्योंकि वे डर गए कि धोबी ने बाघ को यहाँ पर क्यों बांधा है। इस पाठ के जो लेखक है गिरिजा रानी अस्थना, तो इस पाठ में जो है हमें क्या समझ में आता है छात्रों, कि सबसे पहले तो बाघ जो था आखिर तक उसने जो धोबी था उसे टिपटिपवा समझकर बैठा था, और ये जो धोबी था इसने क्या किया, उस बाघ को गधा समझकर अपने घर ले आया। तो सभी को यह पाठ समझ में आया छात्रों? यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।